वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस कुकिंग पैशन। आज हम पोटैटो सैंडविच बनाएंगे। ये बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बनने वाली एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे करके बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर आलू ले लिया है, इसको हमने उबाल के ले लिया है 3 आलू। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से इसे मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो हमने मैश कर लिया है, अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। यहाँ पे हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया है चॉप किया हुआ, उसे हम डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च को चॉप किया हुआ डाल देंगे। फिर हमने यहाँ पे 1 कप के करीब धनिया पत्ता लिया है चॉप किया हुआ, और ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और नमक हम स्वाद के अनुसार डालना। आप हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है, और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हम आमचूर की पाउडर डाल देंगे। फिर हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे ताकि आलू में कोई गुठली ना रहे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, और अब यहाँ पे हमने 4 पीस व्हाइट ब्रेड लिया है। हम 1 कटोरी में करीब 2 टेबलस्पून के करीब हम मेयोनीज डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हम टमेटो केचप डालेंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे 1 चम्मच की मदद से। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड है, ब्रेड की एक हिस्सों में हम ये मेयोनीज और टोमेटो केचप की मिक्सचर को डाल देंगे, और फिर इसको चारों ओर अच्छे से फैला देंगे। दोनों ब्रेड में ही हम ऐसे कर लेंगे, और दोनों ब्रेड को हम खाली रखेंगे। तो ये हमने स्प्रेड कर लिया है। अब हम जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था वो हम डाल के इसे फिल कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा करके ही ले रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से फैला देंगे ब्रेड के ऊपर। दोनों ब्रेड में ही हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ब्रेड के ऊपर अच्छे से आलू की कोटिंग कर लिया है। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लेंगे। इसके ऊपर हम ग्रेट करके डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया है। तो अब हम जो दूसरी ब्रेड है वो इसके ऊपर हम ऐसे करके डाल देंगे, फिर हल्का सा प्रेस कर लेंगे। और अब हम एक तवा पर 1 टेबलस्पून हम बटर डालेंगे। आप चाहे तो इसको बिना बटर और बिना तेल के भी इसे सेक सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, और अब हम जो सैंडविच हमने तैयार किया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। फिर हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके इसे सेक लेंगे। तो इसे अब हम पलट देते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आया है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा होगा। तो दोनों साइड से हमने ऐसे गोल्डन ब्राउन करके सेक लेते हैं। तो इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा बटर ऐसे रब रब कर देते हैं ताकि दिखने में भी बढ़िया लगे और खाने में भी बढ़िया लगे। तो ये हमारा दोनों साइड से हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम इसको बीच में से कट करके आपको दिखा देते हैं कैसे हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खाने में बहुत ही अच्छा हुआ है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना, और कैसे हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और मेरे वीडियो को एंजॉय कर सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।